आवाज आएगी लेकिन फिर लग रहा पंखे से। मार कर रहा है मार का टिंक नहीं है यहाँ इसमें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्लास ट्वेल्थ की मैथ में जो हम लोग पढ़ रहे थे विविध प्रश्नावली उसके जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में किए थे और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक, कहाँ से पढ़ेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चनों को आगे तक सॉल्व करते चलेंगे। एक बात ये ध्यान दीजिएगा भाई, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है, पीछे के क्वेश्चन है, आप लोग उनको करते रहिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे शेयर करते रहिए अपनी प्रॉब्लम, हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान देंगे। देखिए तो चलते हैं भाई आगे, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए, 5 नंबर जो क्वेश्चन है करा था सिद्ध कीजिए। ठीक, देखते हैं भैया। हाँ, लिखा हुआ करा सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी, ठीक, ठीक तो क्या करा करा देखिए सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी और भी भैया जिन लोगों को जुड़ना है और भी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। देखिए जैसे ही क्लास चालू है एक दूसरे को बता दिया करें कि भाई क्लास चालू हो चुकी है, आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। बाकी आपको वीडियो तो बाद में YouTube पर मिल ही जाती है, फिलहाल यहाँ पर अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो भी दूर होती रहेगी, जो आपको पूछना रहेगा वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक भाई, और जुड़िएगा जल्दी जल्दी से। जूली पटेल, मुस्कान पटेल, अंजू, अंजलि और भी जो है भाई, और भी लोग जुड़ जाइएगा जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले जरा एक बार ये बताइए कि जो है आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है भाई, नहीं आ रही? ठीक, आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, ठीक है। तो फिर हम लोग भैया फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित तथा विषम सममित हैं। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है, यदि ए सममित अथवा विषम सममित है ठीक, तो सिद्ध करना है कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित तथा विषम सममित है, यानी ये भी सममित और विषम सममित है। और हमें दिया जा रहा कि आव्यूह ए सममित अथवा विषम सममित है, ठीक, सममित अथवा विषम सममित है हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। आव्यूह ए सममित तथा अथवा कह रहा है, सममित अथवा विषम सममित है, ठीक, तो हमें सिद्ध करना है बी डैश ए बी का। तो इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए पहले करते क्या है भाई, ठीक, पहले करते क्या है, पहले हम लोग इसका डैश निकालते हैं। अच्छा, एक बात आप यह समझ लीजिए, यदि आव्यूह ए सममित आव्यूह है, सममित के लिए प्रतिबंध होगा ए डैश इज इक्वल टू ए,
और विषम सममित के लिए आ जाएगा क्या a डैश इज इक्वल टू माइनस का है। हम लोग जब इसका डैश निकालेंगे तो देखना क्या होगा, ये लिखा तो इंटू में ही है, जब ये इंटू में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा आ जाएगा देखना ए बी का डैश और बी डैश का डैश, वो हमारा क्या आ जाएगा बी के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखेंगे यहां से, देखिए अगर हम लोग इसका फिर से डैश लिखेंगे, इसका हम लोग फिर से डैश लिखेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, बी डैश के बराबर हो जाएगा और ए डैश के बराबर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया बी हो गया। ठीक, अच्छा अब जरा बात सुन लीजिएगा जरा यहाँ पर भैया, देखिए यदि ए डैश ए के बराबर था, ए डैश यदि ए के बराबर था तो देखना क्या आने वाला है, यदि ए डैश बराबर है ए के, हम लिखते हैं भैया यदि ए डैश इज इक्वल टू ए तो क्या आने वाला है, ए डैश को ए रखेंगे तो कितना आ जाएगा बी डैश ए और बी। ठीक, बी डैश ए बी, अच्छा बी डैश ए बी का डैश निकाला वही आ गया क्या, बी डैश ए बी ही आ गया है, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, यानी बी डैश ए बी हम लोगों ने निकाला, इसका डैश उसी के बराबर आ गया तो हम लोग कह देंगे अतः ये सममित आव्यूह है, कह रहा था कि यह भी सिद्ध करिए कि ये विषम सममित आव्यूह है, तो इसके लिए भी हम लोग देखना क्या करेंगे, यदि हम लोग कह लेते हैं क्या, यदि a डैश इज इक्वल टू माइनस का है, यानी a जब विषम सममित आव्यूह हो जाएगा a डैश इज इक्वल टू माइनस का है, तो अब अच्छा अब देखना क्या आ जाता है, यहीं पर हम लोग आगे रखेंगे, देखना कितना आ जाता है भैया बी डैश माइनस का ए इंटू बी, अच्छा ये तो इंटू में ही माइनस का, माइनस हम लोगों ने आगे कर लिया और बी डैश ए बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया था बी डैश ए बी, यानी बी डैश ए बी इज इक्वल टू बी डैश ए बी, परंतु काहे का माइनस का आया है, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, जब ये माइनस का आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः हमारा ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक, जब ए सममित होगा तो ये भी सममित और अगर ए विषम सममित तो ये भी हमारा कैसा है, विषम सममित है। तो ये बात भैया सभी लोगों को कंफर्म हो गई होगी। ठीक, जरा बताइएगा क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है भाई, आ गया है भाई, ए डैश यदि सममित है तो ये भी हमारा सममित आया, यदि ए डैश विषम सममित है मतलब ए यदि विषम सममित है तो ये आव्यूह भी हमारा विषम सममित आया है। ठीक, कंफर्म कराइए जल्दी से भाई, आ गया है समझ में सभी के, जूली पटेल को तो आ गया है समझ में, और भी भाई बताइएगा जल्दी से, और लोग भी बताइए समझ में आया है नहीं आया है। यस सर, अंजू पटेल क्या बोल रही है, एक बार फिर से कंफर्म कराइएगा भाई, आ गया है। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई, माइक ऑफ कर लीजिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं भैया, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, कह रहा है एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक इनको हमें ज्ञात करना है। लिखा हुआ है यदि a इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्स टू वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ठीक तो कह रहा कि a डैश a इज इक्वल टू i को संतुष्ट करता है, ये इसको संतुष्ट करता है तो हमें x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो भैया देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हम लोग करेंगे क्या, a हमें पता है, हम लोग पहले a डैश निकाल लेते हैं। ठीक, पहले हम लोगों ने a डैश निकाला, a डैश कितना आएगा जरा बताइएगा भैया, कितना आ जाएगा जीरो टू वाई जेड, पंक्ति को स्तंभ में करे ले रहे हैं, एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस का वाई जेड,
डैश निकल आया। अब ये इसको संतुष्ट करता था, इस चीज को संतुष्ट कर रहा था, ए डैश ए इक्वल टू आई था हमारा, तो ए डैश को हम लोगों ने जैसे ही यहां पर रखा, जीरो टू आई जेड एक्स वाई माइनस का जेड, एक्स माइनस का वाई जेड, और ए को रखा भैया, ए को रखा जीरो एक्स एक्स टू वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ठीक। अच्छा, और आई तो हमें पता ही रहता है, आई क्या होगा, थ्री क्रॉस थ्री में क्या आ जाएगा, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक। अब इन दोनों के हम लोग क्या कराते हैं, गुणा करा लेते हैं। देखिए गुणा कराने का तरीका आपको बताया गया था, किस तरीके से गुणा करनी पड़ती है, रो इंटू कॉलम यानी पंक्ति गुणा स्तंभों के साथ करानी पड़ती है। तो हम लोग पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ कराएंगे, दूसरे के साथ कराएंगे, तीसरे के साथ कराएंगे, ठीक है भाई। तो हम लोगों को भैया यही करना है, तो चलते हैं भाई, पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ कराते हैं। देखिए जीरो जीरो की तो जीरो रहेगी, एक्स एक्स की एक्स स्क्वायर आ जाएगी, फिर एक्स एक्स की एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक, बात समझ में आ रही होगी। दूसरे वाले स्तंभ के साथ कराते हैं, देखना कितना आता है भैया, जीरो प्लस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक, पहले ही पंक्ति के अगले वाले के साथ कराते हैं, तो जीरो माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड, ठीक, इतना आया भैया। अब हम लोग और भी आगे जरा बढ़ रहे हैं, ठीक, और भी आगे बढ़ रहे हैं, जरा देखिएगा भाई सभी लोग, पहले पंक्ति के हमने सबके साथ करा दिया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे पंक्ति के सभी के साथ कराएंगे, ठीक, देखेंगे भाई। तो दूसरी पंक्ति की जब हम लोग सबके साथ कराएंगे, देखना क्या आता है, ये टू आई की टू आई के साथ पहले जीरो के साथ कराएंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक, प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस का एक्स वाई, ठीक है भैया। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहां से आगे देखेंगे, आगे आपका क्या आता है, इसके दूसरे वाले के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा, फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और फिर हाँ पहले प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, देखना टू वाई की टू वाई के साथ तो फोर वाई स्क्वायर, और वाई की वाई के साथ तो वाई स्क्वायर, और इन दोनों की तो फिर से वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तीसरे वाले के साथ कराएंगे तो पहला हो जाएगा टू वाई जेड, ठीक, टू वाई जेड माइनस का वाई जेड और फिर माइनस का वाई जेड, ठीक, वाई जेड माइनस का और फिर वाई जेड, ठीक भैया, माइनस का वाई जेड माइनस का वाई जेड। अब आगे बढ़ रहे हैं, जरा देखते रहिएगा भाई सभी लोग, देखते हैं तीसरे वाले के सबके साथ, पहले इसके साथ तो जीरो माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड, ठीक, इसके साथ कराएंगे तो टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, ठीक, टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, ठीक, इसके साथ कराएंगे जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू, ये तो हमारा लिखा है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक, इतना तो आ रहा होगा भाई समझ में। अब हम लोग देखेंगे यहां से क्या आता है आपका एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कैंसिल, प्लस का एक्स जेड माइनस का एक्स जेड कैंसिल, तो जीरो जीरो, प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स वाई तो जीरो, वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और फोर वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिक्स वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस का टू वाई जेड प्लस का टू वाई जेड, ठीक, ये हो गया भैया जीरो। यहां देखेंगे ये भी आ जाएगा आपका जीरो, प्लस का एक्स जेड माइनस का एक्स जेड, टू वाई जेड ये भी हो गया जीरो, ये हो गया हमारा कितना, थ्री जेड स्क्वायर। अब जरा देखेंगे इसके बाद हमारा ये कितना हो गया, जीरो सॉरी वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब देखेंगे टू एक्स स्क्वायर को वन के बराबर करेंगे, यहां से हम लोग कहेंगे टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान टू,
एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन अपान टू, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपान रूट टू। ठीक भैया, आगे देखते हैं, सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान सिक्स, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वन अपान सिक्स, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपान रूट सिक्स। ठीक, अच्छा अब हम लोग आगे देखते हैं जेड वाला, थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान थ्री, तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपान रूट थ्री। भैया यही हम लोगों के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए, क्या भाई सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक, जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है? और भी लोग बताइएगा जल्दी जल्दी से भाई। मुस्कान पटेल आ गया सर जी, जूली पटेल, हाँ सर ठीक। और बाकी लोगों को भाई नहीं आ रहा है क्या समझ में? बाकी लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, दो चार लोग ही बताते हैं आ रहा है समझ में क्या पूछना है, बाकी लोग शांत रहते हैं बस। और भी कोई बताएगा कुछ पूछना हो, अगर सामने क्वेश्चन है अभी अगर पूछना हो तो बताइएगा जरा। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़े भैया, चलिए देखते हैं आगे फिर। अभी दो हैं तो बताओ, रोक नहीं क्या? चलिए भाई, आपकी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की क्लास जो है ज्वाइन करिएगा सभी लोग, और फिर जो है इसके क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग करते हैं।